हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैथ्स आईसीएस। ऑकस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी डील के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, ये ऑकस डील क्या है, ये ऑकस क्या है। आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि एक्चुअली में ऑकस क्या होता है, ये ऑकस है क्या, कौन कौन इसमें कंट्रीज शामिल है और कैसे इस डील ने चाइना को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है और चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिला है। तो चलिए फिर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो लेक्चर में, तो टिल एंड आप इस लेक्चर को देखिएगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑकस एक्चुअली में एक ग्रुप है, जैसे आपने क्वाड नाम सुना होगा आपने, कि क्वाड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, आपका अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया मेंबर्स हैं। ऐसे एक ग्रुप और बना हुआ है जिसको हम लोग ऑकस कहते हैं, जिसमें ए इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके इज फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी रिसेंटली इन तीनों देशों के हेड की मुलाकात होती है कैलिफोर्निया के नेवल बेस पर सैन डियागो में, और वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा जो है आप कह लीजिए डिक्लेरेशन होता है अमेरिका की तरफ से, कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को आने वाले दिनों में बाय 2030 एक नहीं पांच न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पांच न्यूक्लियर सबमरीन अगर किसी को मिल जाए, या आप ये समझिए आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन मिल गया तो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर किसी को न्यूक्लियर सबमरीन मिल गया तो आप कल्पना करिए, आप समझिए कि उस देश की डिफेंस कैपेसिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ में कितना जबरदस्त इंक्रीमेंट होगा, कितने टाइम्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो शुरुआती दिनों में तीन न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो आगे फिर दो और जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। और रिएक्शन में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो रिएक्शन देखने को मिला है, उन्होंने इसको बिगेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट माना है इन ऑस्ट्रेलियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, कि आज तक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस के डील में, डिफेंस हिस्ट्री में, ये आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और अभी तक अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में केवल ऐसे छह ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन अवेलेबल हैं, जिसमें चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, रशिया है, यूके है और यूएस है। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है? देखिए, सबमरीन बेसिकली दो तरह की आपको देखने को मिलेगी, एक डीजल सबमरीन देखने को मिलेगी, एक न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन इज मच मोर एडवांस इन कंपेरिजन टू डिफेंस सबमरीन, और अगर डिफेंस जो आपका न्यूक्लियर सबमरीन है वो डीजल सबमरीन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस होती है। अगर किसी कंट्री के साथ या उसके पास अगर न्यूक्लियर सबमरीन है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो न्यूक्लियर कह लीजिए या आप उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। अब ये जो ऑकस आपको देखने को मिल रहा है या जो ऑकस आप सुन रहे हैं जो आजकल चर्चा में है, एक्चुअली में ये ऑकस, इससे पहले कि हम चाइना का रिएक्शन देखें, ऑकस को हम समझते हैं ऑकस क्या है। तो ऑकस बेसिकली जैसे क्वाड एक ग्रुप बना चाइना की हेजेमनी को इंडो पैसिफिक में चेक करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ऐसे ही ऑकस भी बना हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेजेमनी को, चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को कंट्रोल करेगा, रोकेगा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब आजकल के दौर में जो इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ा है और जहां हमें चाइना और अमेरिका की राइवलरी देखने को मिल रही है लगातार, उसी का ये नतीजा, उसी का ये रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूके एक साथ आए, एक मंच पे आए और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट किया, ऑकस नाम से प्लेटफॉर्म बनाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने की कोशिश की गई। उसी के रिजल्ट में ये हेल्प जो है वो अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को की जा रही है। नाउ एज फार एज चाइनाज रिएक्शन इज कंसर्न, अब देखिए जब इतना बड़ा डील हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन अगर मिल रही तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना तो चुप बैठेगा नहीं। अब आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा, फिर चाइना ने क्या रिएक्शन शो किया, चाइना का क्या रिएक्शन रहा। तो अब हम लोग चाइना के भी रिएक्शन को देख लें। ऑब्वियस सी बात है कि चाइना ने कोई पॉजिटिव रिएक्शन तो दिया नहीं होगा। तो जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ, जैसे ये डील अनाउंस हुई, वैसे ही चाइना की तरफ से तुरंत इसके एंटी रिएक्शन आ गया कि ये जो अमेरिका ये काम कर रहा है, ये एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट में और इंडो पैसिफिक रीजन में बिल्कुल भी शांति स्थापित नहीं करेगा, पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं ये इस पूरे क्षेत्र में आर्म्स की रेस
को जो है वो जन्म देगा कि सारे कंट्रीज जो हैं अब हथियार खरीदने लग जाएंगे। और जिस तरीके से कोल्ड वॉर के टाइम पर ब्लॉक पॉलिटिक्स होती थी, वैसे ही फिर अब ब्लॉक पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना ने अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूनाइटेड किंगडम को एक तरीके से चेतावनी दी है कि आप लोग एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आप लोग अपना जियो पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में आर्म्स की रेस बढ़ जाएगी और ये पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक होगा। ओके, अब मैंने आपको जैसे बताया कि ऑकस बेसिकली बना ही था फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, रिसोर्सेज वाइज के हिसाब से भी, डिफेंस के हिसाब से भी, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पर जो चाइना का डोमिनेंस है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसीलिए ऑकस ग्रुप बनाया गया था। और ये जो डील हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो चाइना और अमेरिका की जो राइवलरी इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रही है उसको देखते हुए ये एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जैसे ऑकस है वैसे ही एक बार आप क्वाड को भी देख लीजिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, इंडिया आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका आपको देखने को मिलेगा और जापान आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वाड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है फॉर योर इंडो पैसिफिक रीजन, और इसी की तरह से ऑकस भी है आपका इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।